हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिरफ आज हम इस वीडियो में ट्वेल्थ पायो एन की फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे इसमें मैंने टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इन क्वेश्चन के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझिएगा स्किप नहीं करना वीडियो तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट आर द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द प्लांट्स इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस वाले यूनिट्स हैं प्लांट के रनर एंड राइसम सकर्स एंड बल्ब ट्यूबस एंड ऑफसेट ऑल ऑफ दिस तो ये सभी ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के सोर्सेस हैं प्लांट में फॉर एग्जाम्पल देखिए रनर्स जो होता है वो ऑक्सालिस में यूज़ होता है राइजोम जिंजर में होता है राइजोम बनाना में भी होता है और सकर जो होता है वो मिन्ट एंड क्राइसेंथममम में होता है बल्ब जो होता है वो ऑनियन में होता है ट्यूबर पोटैटो पोटाटो ऑफसेट जो होता है वाटर आइजन में होता है ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने पिक्चर में दे रखा है ये ब्राय फाइलर में जो कि बर्ड के थ्रू होता है और ऑफसेट ये है हमारा वाटर आइजन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंटेज बर्ड्स अराइज फ्रॉम नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव ऑफ़ लीव इन पोटैटो ऑफ सेट प्रायोफाइलम टर्मरिक तो तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइलम जिसका में इमेज मैंने अभी यहाँ पे दे रखा था एडवेंटियस बर्ड्स के थ्रू होते हैं इसमें प्रोपोगेशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबी सर वेजिटेटिव प्रोपगल्सिन वोटर हाइजेंट एगे टोमैटो एंड पोटैटो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेटर ऑफ द नेक्स्ट जेनरेइड द मेच्योर सीड इज नोन एज माइक्रोपाइल पेरिकॉप एम्ब्रे साइकोट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एम्ब्रियो हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फ्लोइडी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लॉरिंग प्लांट किसका किसका प्रोडी बताना है ओवरी एंथर एग पॉलेन मेल गैमेंट साइकोट तो ओवरी तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं टू एन टू एन 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 हाँ तो ओवरी का हमेशा टू एन होता है इसमें भी दिया हुआ है एंथर का टू एन रहेगा एग एन होता है फर्स्ट ही आंसर होगा इसका पॉलेन एन होता है और मेल गेमेट एन होता है जाइगो टू एन होता है इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोम्स आर प्रेजेंट इन बनाना जिंजर पोटैटो बोथ ए एन बी। मैंने बताया था राइजोम जिंजर के साथ बनाना में भी होता है तो इसका आंसर बोथ ए एन बी हो जाएगा बनाना में ट्रेडिशनली सकर होता है सकर होता है बट इसमें राइजोम भी यूज़ होता है कुछ तो और पोटैटो का तो ट्यूबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइशियस इसमें से बायसेक्सुअल कौन सा होगा तो मर्चेंशिया साइकस पाइनस डेट प्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पाइनस मोनोशियस मींस बायसेक्सुअल मेल एंड फीमेल बोथ सेम पे ही होते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शोज द अक्रेंस ऑफ फर्स्ट दिया हुआ है एंड एंडियो फोर ऑन द सेम प्लांट एंड कार्पल ऑन द सेम प्लांट अपर एंड लोअर ऑन द सेम प्लांट अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि एंथ्रीडियो फोर एंड आर्कीगोनियो फोर जो होता है वो मर मरचेंथिया में होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम जो है वो कारा का है यहाँ पे मैंने इमेज में दे रखा है ऊपर में ओ है नीचे एंथ्रीडियम है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्शुअल रिपोर्डक्शन इज गैमेटोजेनेसिस कैमेट ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन सिंगैमी एम्ब्रियोजेनेसिस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फर्टिलाइजेशन बहुत चैलेंजिंग इवेंट होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगाई एंड सिंपल प्लांट एलगी रिप्रोड्यूस थ्रू अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो ये पॉइंट सही है फंगाई और एलगी जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं वो असेक्चुअल रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर से सेकेंड पॉइंट है जू स्पोर्ट्स आर जनरली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर ये भी सही है जू स्पोर्ट्स आर जनरली माइक्रोस्कोपिक तो ये हमारा गलत है सी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक नहीं होते वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म हाँ तो ये भी सही ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेजिटेटिव प्रोपैक्यूल्स ऑफ कलंची इज ट्यूबर राइसोम बल्बिल एडवेंटियस बर्ड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एडवेंटियस बर्ड जिस तरह से ब्रायोफाइलम में होता है उस तरह से कलंची में भी एडवेंटियस बर्ड के थ्रू प्रपोगेशन होता है ये है कलंची प्लांट मैंने इमेज में दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म अमंग दिस मीन्स बाय सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे तो ऑप्शन है अर्थ वॉर्म लीच ऑल ऑफ दिस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ये एन में सब दिए हुए हैं मैंने सभी एन के क्वेश्चन को लिए मोस्टली और एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं तो उसकी उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्ट किए क्वेश्चनस को सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारथेनोजेनेसिस इज शोन बाय रोटीफो हनी बी सम एंड बर्ड टर्की ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिज पारथेनोजेसिस होता है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वह बिना फर्टिलाइजेशन के एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है तो इसके एक्सैम्पल्स हो जाएंगे पार्थेनोजेनेसिस के फोर्थ क्वेश्चन है तो फोर्टीन क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्ट फॉल्स अबाउट द डायग्राम इस डायग्राम के बारे में बताने की क्या गलत है इसमें फर्स्ट है इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलोनीसी हाँ पोटैटो सोलोनीसी फैमिली का होता है ये सही है इट इज़ मॉडिफाइड रूट मीन फॉर स्टोरेज नहीं ये मॉडिफाइड रूट नहीं होता है ये मॉडिफाइड स्टेम होता है तो यही हमारा ऑप्शन होगा जो गलत है इट इज़ मॉडिफाइड स्टेम ये सही मीन फॉर रिप्रोडक्शन आइज ऑफ द अब स्ट्रक्चर इज एक्सलरी बर्ड हाँ ये एक्सिलरी इसमें जो आइस प्रेजेंट होते हैं ये एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं इसमें जो ये आइज दिए हुए हैं आइज वाले पार्ट इन्हें एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एक्चुअली बाई फीजन एंड बर्डिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम अमीबा और ईस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फीजन और बर्डिंग के थ्रू तो क्यों होता है ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनि न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इस वजह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रांसफर ऑफ ग्रेन्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ प्लांट फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हो जाएगा बी एम्ब्रिय डेवलपमेंट क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन तो प्री फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये सब प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेरडोफाइट एंड ब्रायोफाइट मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेटिस विंड इंसेक्ट बर्ड वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर वाटर के थ्रू मेल गैमेट जो थे वो ट्रांसफर होते हैं टेडोफाइड और ड्रायोफाइट में क्योंकि वाटर पे डिपेंड होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए रिप्रोडक्शन के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल अकर इनमें इन से साइकिल किस में होता है काउ रेड टियर ऑल ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इन सब में ऑस्ट्र साइकिल्स होता है जबकि मैमल्स फॉर एग्जाम्पल uh, मैमल्स नहीं एप्स मंकी एंड ह्यूमन में जो होता है मैंस्ट्रुअल साइकिल होता है मैंस्ट्रुअल मैंस्ट्रुअल साइकिल एप्स मंकी एंड ह्यूमन में होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस प्लांट डू नॉट शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेस इनमें से कौन सा है जो ये तीनों ही फेज क्लियर नहीं होते जिसमें तो एनुअल प्लांट बाइनियल प्लान पेरिनियल ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिनियल प्लांट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी में ऐसा होता है और भी इसके एग्जाम्पल से हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर वंस इन ट्वेल्व ईयर्स बारह साल में एक बार कौन इनमें से फ्लानिंग करता है तो इसका ऑप्शन दिया हुआ मैंगी फेरा इंडिका स्ट्रॉबे लेंथस कौन नील कुरुजी हेलेंथस एनस और लास्ट ऑप्शन है पेपर सामनी फेरम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉब लेंथस कोंथियाना जो कि केरला में होता है ट्वेल्थ ईयर में एक बार फ्लारिंग करता है और एक और बैम्बू प्लांट जो होता है वो आ, अपनी फुल लाइफ में एक ही बार फ्लार करता है बस तो इतने हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं यहाँ पे सारे ये मैंने सभी क्वेश्चंस को आ, कवर किया है इसमें सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इन क्वेश्चन में कवर किया है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और इसके बाद में सीक्वेंस वाइज सभी चैप्टर्स को एन के डालने की कोशिश करूँगी जल्दी से जिसमें नीट के लिए क्विक रिविज़न हो सके थैंक यू